अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज मैं आप लोगों के लिए लाइव एक डेमो वाला रिव्यू लेकर आई हूँ एक प्रोडक्ट का। और वो प्रोडक्ट मैंने तकरीबन कोई 2-1.5 हफ्ता पहले खरीदी थी एंड मुझे था कि मैं उसका आप लोगों को लाइव रिव्यू देती हूँ। सारी औरतें, तमाम औरतें इंक्लूडिंग मी, हम मेकअप करते हैं और मेकअप कर लेने के बाद जो है वो कुछ लोग जो है वो अपना फेस वॉश कर लेते हैं, कुछ मेकअप रिमूवर से रिमूव कर लेते हैं और कुछ उसी में सो जाते हैं। तो आप लोगों ने तो पहले नीचे कमेंट करना है कि आप फेस वॉश करते हैं या मेकअप रिमूवर से रिमूव करते हैं या आप उसी में सो जाते हैं। सो ये 3 ऑप्शंस हैं। इसमें से जो सबसे खराब वाली ऑप्शन है वो है अपना मेकअप ना रिमूव करना और उसी में सो जाना। उससे होता है कि आपके पोर्स जो है ना वो अंदर बंद हो जाते हैं और उसके बाद जो है ना वो सीबम निकल नहीं पाता, आपके मुंह पे एक्ने निकल आती है, ब्लैक हेड्स निकल आते हैं, तो उससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो इससे बेहतर है आप अपना मेकअप रिमूव करें। हाँ जी, मेकअप रिमूव करने के लिए या तो आप अपना फेस वॉश करते हैं या उसके 2-3 और तरीके हैं। एक होता है क्लेंजर, होता है वो आप क्लेंज कर लेते हैं। दूसरा होता है माइसेलर वाटर, वो होता है एक लिक्विड की फॉर्म में होता है, उसको आप अपने फेस पे लगाते हैं। या मेकअप रिमूवर वाइप्स होते हैं। मेरे पास जो है न्यूट्रोजेना का, क्लिनिक का, द बॉडी शॉप का और मिनीसो के वाइप्स। बाकी जो 3 ब्रांड्स मैंने आपको बताई, क्लिनिक का, बॉडी शॉप का और न्यूट्रोजेना, इन सब का लिक्विड फॉर्म में था। पहले मैं वो 2 यूज़ करती थी, लाइक मोस्टली मैं क्लिनिक यूज़ करती थी, बट नाउ इट्स वेरी एक्सपेंसिव। वो मेरे गिफ्ट्स आते थे तो मैं यूज़ कर लेती थी, खैर मैंने कभी नहीं लिया। दूसरा ये है कि बॉडी शॉप का आई मेकअप रिमूवर, छोटा सा इतनी सी बॉटल होती है जो कि लिपस्टिक को रिमूव करती है, आई मेकअप को रिमूव करती है। डिफरेंट ब्रांड्स की होती हैं वो, लाइक एक फुल फेस होता है और कुछ होती है सिर्फ आई और लिप के लिए होती है, क्योंकि आई जो है मेकअप रिमूव करने के लिए बहुत एहतियात करनी पड़ती है क्योंकि आई की अंडर आई स्किन बहुत नाजुक होती है, तो उसमें आप हर मेकअप रिमूवर यूज नहीं कर सकते। खैर एनीवेज, ऐसा है कि ये सारी मेरे पास चीज़ें थी, लेकिन मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि आप ना कोई रीजनेबल प्रोडक्ट हमें दिखाएं जो हम खरीद सकें, जिससे हम आराम से मेकअप रिमूव कर सकें और बहुत ज़्यादा हमें महंगा भी ना पड़े, हमारी जेब को भी बहुत महंगा ना पड़े। तो उस दिन मैं गई थी, तो वहाँ पर मैं जब गई थी तो वहाँ पर मुझे एक मेकअप रिमूवर नज़र आया एंड इट इज़ वेरी, वो कहते हैं ना, वेल नोन ब्रांड पॉट्स। और प्रॉन्स का जो है ना ये माइसेलर वाटर है, इट इज विटामिन माइसेलर वाटर और इसमें डीटॉक्स चारकोल, ठीक है। आप देख सकते हैं ऐसे ग्रे ग्रे सा कलर का की बॉटल है और खैर इसके अंदर जो लिक्विड है वो तो ऑब्वियसली बिल्कुल जो है वो ट्रांसपेरेंट सा पानी की तरह है, लेकिन ये है कि ये मेकअप रिमूव करता है, ठीक है। सो ये जो है मैं लेकर आई और इसकी प्राइस जो है ना वो 350 से 450 के बीच में है। डिफरेंट वेबसाइट्स पे डिफरेंट है इतने की मिलेगी। और ये क्योंकि जो है पॉन्ड्स का है, पूरे पाकिस्तान को पता है, और इतना एक्सपेंसिव नहीं है, 350 से 450 रुपए बिल्कुल भी रीजनेबल है। और क्योंकि हम डेली मेक लाइक जो खवातीन डेली बेसिस पे मेकअप करती हैं, स्कूल जाती हैं या जॉब करती हैं, तो उनको तो अपने पर्स में ही रखना चाहिए। जैसे जॉब से वापस आ रही होती है तो रास्ते में मैं तो साफ कर लेती थी, लेकिन जो खवातीन घर में है वो रेयरली बाहर निकलती है या डेली मेकअप भी करती है, तो ये प्रोडक्ट मुझे लगा कि नॉट दैट एक्सपेंसिव। अच्छा, इसको मैंने यूज कर लिया है अपने फेस पे, बट आई रियली वॉन्टेड कि मैं आप लोगों के सामने डेमो दूं कि इज इट गुड और नॉट। तो ये है कि पहले तो मैं इसकी पैकेजिंग बता दूं, प्लास्टिक की बॉटल है, बहुत अच्छी बॉटल है सीरियसली, और इसके अंदर जो प्रोडक्ट है दैट इज 100 ml, ठीक है, 100 ml है। शेल्फ लाइफ इस पे नहीं लिखी हुई कहीं पर भी, नहीं यहाँ पर शेल्फ लाइफ कहीं पर भी नहीं लिखी हुई। सो होता ये कि ये प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली आप इसको जल्दी यूज करते हैं। एक्चुअली मैं ग्लासेस नहीं लगाती ना, तो मुझे वो छोटी छोटी राइटिंग नहीं समझ आ रही होती क्या लिखा हुआ है। बस ये मेरी आफ्टर माई डायबिटीज मेरी आईसाइट बहुत वीक हो गई। अच्छा जी, फिर आते हैं अपनी वापस प्रोडक्ट की तरफ। ये प्रोडक्ट जो है इसका पहले मैं बता दूं, प्लास्टिक पैकेजिंग, प्राइस इज 350 to 450 और कोई फ्रेगरेंस नहीं है, बिल्कुल कोई फ्रेगरेंस नहीं है। और चारकोल वाला है, इसमें 3 थे, एक पिंक था और एक येलो था शायद और एक ये था, मुझे याद नहीं कि कौन से थे, लेकिन मैंने ये इसलिए उठाया था क्योंकि मुझे ग्रे कलर की बॉटल बड़ी अट्रैक्ट करी थी, वो भी उसमें यही फॉर्मूला होगा ऑफकोर्स, सिर्फ नाम उन्होंने चेंज किए होते हैं। खैर एनीवेज, अब मैं आपको इसका डेमो करके दिखाऊंगी। ऑब्वियसली मैं अपने फेस पे तो नहीं करूंगी, अब मैं तैयार होकर बैठी तो इस पे तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस वक्त फेस पे क्या क्या लगाया। सबसे पहले बात करते हैं अपने फाउंडेशन की। तो फाउंडेशन में मैंने लगाया हुआ है मेबलिन का ड्रीम मैट मूस, ठीक है, ये मैंने फाउंडेशन के तौर पे लगाया हुआ है। और उसके बाद जो है वो मैंने ये वाला
लिप लाइनर लगाया हुआ है क्योंकि मैंने फाउंडेशन ही रिमूव करके दिखाना है और मुझे था कि लिप्स पे भी थोड़ा आपको बता दूं, ये वाला लिप लाइनर लगाया हुआ है एंड क्लिनिक की जो है वो ये वाली लिपस्टिक लगाई हुई है। मेरे व्लॉग में बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये लिपस्टिक कौन सी है, तो ये क्लिनिक की लिपस्टिक है, आप देख सकते हैं मैंने बहुत यूज की है, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सीरियसली। इसमें बहुत बंदा डिसेंट लगता है, मुझे बहुत ज्यादा लाउड कलर्स अच्छे नहीं लगते फ्रेंकली स्पीकिंग। मैं लगाऊं तो मैं बुरी नहीं लगती, लेकिन मुझे ना बहुत ज्यादा डार्क कलर्स पता नहीं क्यों नहीं अच्छे लगते। मुझे लगता है कि आप ना बहुत लाउड लगते हो, आपको पोलाइट लुक देनी चाहिए, आप बहुत ज्यादा रेड तो ऑरेंज लिपस्टिक्स लगा के ना हाँ अच्छा लगता होगा बहुत से लोगों को, लेकिन मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा ना आप में एक तेजी सी लुक आती है, पता नहीं क्यों बस मुझे ना अजीब सा लगता है। तो हाँ जी, तो ये है नंबर वन लिपस्टिक, वन नंबर की लिपस्टिक है फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड क्लिनिक और बहुत जबरदस्त लिपस्टिक है, आप देख सकते हैं मैंने लगाई हुई है, ये स्मोकी आईज के साथ ही बहुत ही प्यारी लगती है। तो मुझे था कि मैं ये चीजें अपने हाथ पे लगा के, ऑफकोर्स अब मैंने यही मुंह पे लगाया, अपने हाथ पे लगा के वी विल सी दैट इट्स गोना वर्क और नॉट। ठीक है, तो पहले मैं लगा लेती हूँ फाउंडेशन। तो फाउंडेशन जो है आप देख सकते हैं कि कितना मैंने यूज किया, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट फाउंडेशन। अगर इसका आपने रिव्यू नहीं देखा हुआ, आई थिंक मैंने इसका रिव्यू दिया हुआ है, तो मैं नीचे जो है ना इसका रिव्यू का शेयर कर दूंगी, और अगर आप लोगों ने मैंने नहीं दिया हुआ और आपको नहीं मिला नीचे लिंक, तो आप लोग मुझे कॉमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूंगी। तो ये आप देख सकते हैं मैं इधर लगा रही हूँ, मेरी स्किन से बिल्कुल मैचिंग है, मीन्स जो मेरी स्किन पे जो हाथ है मेरे फेस से ज्यादा गोरे, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, लेकिन ये है कि ये जैसे मैंने लगा लिया फाउंडेशन, आई होप आप लोगों को इतना क्लियरली नहीं नजर आ रहा, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। चले जी, ये देखिए मैंने इतना ढेर सारा ये फाउंडेशन लगा लिया है इस पे, ये जब मैं इस पे उतारूंगी तब आपको क्लियर नजर आएगा। अच्छा जी, ये फाउंडेशन मैंने लगा लिया है और मैं इसको थोड़ा टैप टैप भी कर रही हूँ, एक जगह पर ही सारा नहीं लगा रही, मैं इसको थोड़ा टैप टैप कर रही हूँ, होप आप लोगों को नजर आ रहा हो, मुझे पता है कि मुझे तो स्क्रीन पे इतना क्लियर नहीं नजर आ रहा, लेकिन जब मैं इसको रिमूव करूंगी ना तब आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से नजर आएगा। ठीक है, मैंने फाउंडेशन लगा लिया और ये जो है ना मिनीसो के पैड्स, कॉटन पैड्स, सीरियसली दिस इज होली ग्रेल, ये मेरे इतने चलते हैं 400 रुपए के आते हैं और इसके अंदर जो है 180 पैड्स हैं, तो आप इमेजिन कर लेंगे कितने बहुत सारे होंगे। हाँ जी, तो एक मैंने कॉटन पैड ले लिया, अब मैं लाइव डेमो दिखा रही हूं और आप लोगों को बताऊंगी कि इज इट वर्थ आप लोग खरीदे या नहीं। तो ये मैंने लगा लिया, ये देख सकते हैं आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, ये गीला गीला, ठीक है। अब मैं ना इसके ऊपर रखे ना, बहुत ज्यादा प्लीज अपनी स्किन को मत रगड़ा करें, तो उससे ये होता है कि आपकी स्किन बहुत डैमेज हो जाती है। चलें जी, अब मैं जरा इसको लगाऊं क्योंकि आपने अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन करना होता है। ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से अपने हाथ पे लगा लिया है एंड ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि पूरा फाउंडेशन इसने मेरे हाथ से बिल्कुल क्लीन कर दिया। दूसरी साइड पे लगा लेते हैं अगर कोई थोड़ा बहुत रह गया है, ये देखिए, तो मेरा जो है ये स्किन बिल्कुल अच्छी तरह से साफ हो गई है, मेरा हाथ बिल्कुल साफ हो गया। तो इसका मतलब ये है कि फाउंडेशन के लिए तो दिस इज बेस्ट। अब मैं आपको लिप कलर, क्योंकि मेरी ये लिपस्टिक बहुत लाइट कलर की, मैं आपको लिप लाइनर लगा के दिखाती हूँ कि लिप लाइनर पे जो है ना ये किस तरह से वर्क करेगा, क्योंकि लिप लाइनर जो है ना मैंने लगाया हुआ है और लिप लाइनर हम लगाते हैं, मैं गाढ़ा गाढ़ा लगाऊंगी कि हाउ डज इट वर्क, क्योंकि मेकअप रिमूव करना आपका बहुत जरूरी है वरना आपकी स्किन बहुत खराब होगी। अब देख सके मैंने लिप लाइनर लगाया है, दूसरा मैं कॉटन पैड ले रही हूँ और मैं इसके ऊपर फिर ये डालूंगी और ये देखिए कितनी तो क्वांटिटी यूज करोगी तो पूरा फेस पे लगेगा बड़े आराम से। अब मैं इसको इससे साफ करती हूँ, लेट सी इट्स गोना क्लीन और नॉट। ये मैं आपके सामने करी, कोई मैजिक नहीं दिखा रही, ये देखिए मैंने किया, इट्स रिमूव्ड, कुछ भी नहीं है। आई होप आप लोगों को क्लियर नजर आ रही है। असल में मैंने यूज कर लिया था एंड मैं इतनी खुश थी कि 350 कहाँ न्यूट्रोजिना, कहाँ क्लिनिक, कहाँ बॉडी शॉप, सीरियसली बॉडी शॉप का इतना सा मैंने सिर्फ आई मेकअप एंड लिप क्लीन करने के लिए लिया हुआ है। लाइक आप आई मेकअप यूज क्लीन करो तो ज्यादा बेहतर, ये बेस्ट है फॉर फुल फेस, लेकिन आई के लिए मैंने इसको नहीं यूज किया फिलहाल। तो वो सिर्फ एक इतना सा, लाइक सीरियसली इतनी सी बॉटल है, इतनी सी व्हाइट कलर की है, पता नहीं कौन से फ्लावर्स वाली है,
और यू वोंट बिलीव, शायद वो मेरे 2500 के लिए है कि पता नहीं कितने के लिए, और जो न्यूट्राजीना है वो भी इतनी महंगी है, और ये 350 रुपए की है, 350 से लेके 450 की रेंज में आपको बड़े आराम से मिल जाएगी, एंड इट्स टू गुड। मेरे हाथ पे आपको कहीं नहीं नजर आ रही है, आपके सामने लाइव डेमो था। ये पड़े हुए हैं दोनों कॉटन पैड्स जिसके ऊपर मैंने ये लगाया है, एंड ये देख लें मेकअप भी रिमूव हो गया। ये इससे अभी मेरा पूरा फेस साफ हो सकता है, ये पूरा गीला है क्योंकि फेस पे तो आप इतना ही लगाते हो ना, मुझे थोड़ा सा लेना चाहिए था, बट इट्स टू गुड। सीरियसली आई 100% रेकमेंड। अब डेमो के बाद तो आप लोग को भी हो गया होगा कि बिल्कुल जो है ना, ये जो चीज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ उसमें कोई वो नहीं है कि ये अच्छी चीज नहीं, इट्स टू गुड सीरियसली। मुझे तो ये बहुत अच्छा, बहुत ही ज्यादा। सो आई होप आप लोगों को मेरा आज का डेमो जो है ना वो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे तो खैर ये चीज मैं पिछले, आप देख सकते कितना थोड़ा सा यूज हुआ है, मैंने 4-5 दफा इसको यूज किया हुआ है, उसके बाद मैं आप लोगों को डेमो दे रही हूं, क्योंकि मैं ऐसी कोई चीज आपको दिखाती नहीं हूं जब तक मैं उसको यूज ना कर लूं। बट बिलीव मी इट्स समथिंग आई रेकमेंड 100% एंड इट्स वेरी रीजनेबल। सबसे जो अपीलिंग बात है वैसा ही क्लीन किया जैसे मेरे दूसरे ब्रांड्स वाले करते हैं, और सबसे रीजनेबल। सो ये 100% आपको मैं श्योरिटी दे रही हूं, गो फॉर इट, बाय इट। आपको किसी भी दुकान से मिल जाएगा, मैं तो ग्रोसरी स्टोर से जाके लिया है, कहीं से किसी अच्छे केमिस्ट में जहां पर ब्यूटी वाला सेक्शन होता है, या किसी भी मनियारी वाली दुकान पे आप जाएंगे तो आप ये दिखा दें। चारकोल वाला है, इसमें दो और थे, मैं चारकोल वाला यूज कर रही हूं, आप वो भी देख सकते हैं। बट मेरा इससे 100% बहुत जबरदस्त किस्म का जो है ना एक्सपीरियंस हुआ है। होप आप लोगों को ये अच्छा लगेगा, मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा है। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप, सॉरी मैं हर दफा व्लॉग बोलती हूँ क्योंकि मैं व्लॉग बनाती हूँ डेली बेसिस पे। तो ये था मेरा आज का रिव्यू, तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, और हाँ, जो चीज आपको अच्छी लगती है प्लीज नीचे कमेंट कर दें, या जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं आई विल गिव यू द रिव्यू फॉर श्योर। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।